Astane! माइक लेकर के बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लगे जैसे हनीमून पे जा रहे हो। जब बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोला ये? अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है, जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए बड़ा कमाल का टॉपिक है, हुआ क्या है कि इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में ये क्वेश्चन मेरे से किसी ना किसी ने जरूर पूछा है, तो मैंने इसका आंसर तो दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है, कभी भी डीपली इस टॉपिक के अंदर हम नहीं गए हैं। टॉपिक इज के अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने। ये क्वेश्चन आता है माइंड में, नहीं आता है? Yes. तो सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। तो अगर किसी के पास में इस टॉपिक का या इस क्वेश्चन का जवाब है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं कहूंगा बोलने के लिए फिर बोल सकते हैं। उनको देना माइक। सर पहले साइलेंटली अपने आप को देखें कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, किस चीज में तुम बेस्ट हो, किस चीज में तुम अच्छे हो, तो इससे तुम्हें प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में हम अच्छे हैं तो इसमें हम सक्सेस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आप लोगों की एज इतनी ज्यादा नहीं है, इतना कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ। और जरूरी नहीं है जिसमें आप खुद को अच्छा समझ रहे हो उसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अपना गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है बाथरूम में जब गाते हैं, लेकिन बाहर से गालियां पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या किन चीज़ों में अच्छी हूँ, तो क्या आएगा माइंड में? दो चार चीज़ें आने वाली हैं, या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ नाव नाच के दिखाओ। यही है प्रॉब्लम, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज हैं बेसिकली, और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हो, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया में। और जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज, जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहाँ पर चारों तरफ मौत ही मौत थी, और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है, सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है नहीं घुसा हुआ है? Yes, कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है, उसको डिस्कवर कर लिया उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, बहुत ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए वहां पे? टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से, कि अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जांपल आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे, उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है, सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट। कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन, ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात, उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो। नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स, तभी तो एक कोच की जरूरत होती है। कोच का मतलब क्या?
कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है। इसी का तो मतलब है, और क्या है। तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब अपने इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग से कुछ नहीं होता, देखना ध्यान से समझना, क्योंकि आप क्या है मेरे को पता है, आप लोग क्या करते हो। मेरे किसी सेशन में कोई बात सुन ली, मैंने किसी सेशन में कुछ बोल दिया, क्वेश्चनिंग इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग यहां भी चेप दो, हर जगह क्वेश्चनिंग को चेप दो। यही हम गड़बड़ नहीं करते हैं, हर जगह एक ही फंडा फिट नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट बनता कैसे है? इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले पहले तो यह समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरेस्ट। क्या किसी भी ऐसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ सकता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? एक ऐसी गेम है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, है एक ऐसी गेम है, उसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट है? हाथ ऊपर करो। अबे कैसे हो सकता है यार, अरे यार गेम ही नहीं पता मेरे को। वो गेम है उसमें ऐसे उल्टे खड़े होना और पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं जब तक पूरा लाल ना हो जाए डंडा, पिछवाड़ा टूट ना जाए। प्रॉब्लम समझ आई? कि जब तक हमको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपको सब कुछ पता है इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहां कहां पर हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं? डू यू नो दैट? या उतना ही पता है जितना आपकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी है? अगर आपको इंटरेस्ट आ भी सकता है तो सिर्फ उसी में आ सकता है। अंदर कितना कुछ पड़ा है? थोड़ा बहुत ही पड़ा है, सब कुछ थोड़ी पड़ा है। जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा आपने बचपन से आज तक देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह की नॉलेज अंदर पड़ी हुई है, उसी से रिलेटेड तो इंटरेस्ट आ सकता है। कोई बहुत ही कमाल की फील्ड है जहां पर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आ सकता है? तो अब क्या चाहिए अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के से पहले? नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉट क्वेश्चनिंग। क्योंकि अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे भी कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? गाने में है, लेकिन गाना तो मेरा बहुत मार पड़ती है जब भी गाता हूं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? गाने में है, लेकिन ये तो हो चुका है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? डांस में है। हाथ कहीं जाता है, पैर कहीं जाता है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप बिना एडिशनल नॉलेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चनिंग करोगे तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर पड़ा होगा। जैसे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ पूछोगे वही तो निकल करके आएगा। हार्ड डिस्क में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वही निकल के आएगा जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा होगा। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां पे आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि इसमें से क्या है ऐसा जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्लस मैं इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकता हूं रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली। बहुत बढ़िया है अगर वहां से आंसर आ जाए तो, नंबर वन। नंबर टू, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा मेरा क्या इंटरेस्ट है, बट आपको कुछ भी उसमें से प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? नई इंफॉर्मेशन गैदर करो। सिंपल है ना यार, इंफॉर्मेशन एज में हम बैठे हैं। देखो दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो किस किस तरह की फील्ड्स हैं। बहुत लोग ये काम भी नहीं करते, नहीं हमें तो सब पता है। अबे क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता है, यहां से शुरू करो। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे ना हाँ मुझे तो सब पता है, तो अब क्या होगा, आप एक ही तरह के उसमें स्ट्रक्चर में घूमते रहोगे बस। और वहां पे अगर कुछ अचीव कर भी लिया तो जरूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ऑब्जर्व करो ऐसे ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में कुछ बड़ा कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में? कितनी सक्सेस स्टोरीज होंगी इस दुनिया में? लाखों हैं, अगर पास्ट को भी इंक्लूड कर दो तो करोड़ों हैं। तो अगर उन लोगों के बारे में आप पढ़ने लग जाओ, उन लोगों को सुनने लग जाओ, तो दिमाग खुलेगा नहीं खुलेगा? हाँ, एकदम से आइडियाज आएंगे नहीं आएंगे? हाँ,
उनको देना पीछे माइक। मुझे एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एक्चुअल में है क्या और क्या चीज से हमें इंड्यूस करती है? डिटर्मिनेशन इज कि कुछ भी हो रहा है लेकिन हम अपने ट्रैक पर रहे, वॉट एवर इज गोइंग ऑन बाहर भी और हमारे अंदर भी, अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है ना, ये छोड़ो क्या पड़ा है, ये है वो है, बाहर भी लोग बोल रहे हैं छोड़ो तेरे से नहीं हो पाएगा, ये है वो है, तो चाहे बाहर कोई कुछ बोल रहा है चाहे अंदर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, इफ यू कैन स्टे ऑन ट्रैक, नाउ व्हाट इज ट्रैक दैट यू नो एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग कि हाँ ये काम करना सही है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर लोग क्या होता है वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, और अब हमारी ये जो आदत है इसको घर वाले भी बढ़ावा देते हैं, बेटा आज तेरा क्या खाने का मन है बता ना, ये बड़ा फुद्दू सवाल है, क्योंकि हम जाने अनजाने उस बच्चे की क्या आदत बना रहे हैं, मन के हिसाब से चलो, जो मन के हिसाब से चलेगा वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा फॉर श्योर, क्योंकि मन क्या करता है, मन तो एक मिनट में एक्साइटेड हो जाता है एक मिनट में डिप्रेस्ड हो जाता है, मन यही करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करनी है डेली, ये अंदर से पता है सही ट्रैक है गलत ट्रैक है, सही ट्रैक है, लेकिन जब करोगे तो कई बार ऐसा नहीं होगा जब आप वर्कआउट करोगे, कितने एक्चुअल में करते हैं वर्कआउट डेली बेसिस पे, बाकी खेलते रहो पबजी बैठे बैठे तो क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो कई बार बड़ा अच्छा वर्कआउट हो जाता है, यानी उसके बाद बड़ा सही फील होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो वो जो फीलिंग हुई उसको आपने पकड़ लिया, अगले दिन अब आप वही फीलिंग को रिपीट करना चाहते हो, और अगले दिन इतनी बढ़िया फीलिंग नहीं हुई तो अब आपने क्या किया उसको करना ही छोड़ दिया, ऐसा होता है नहीं होता है? या आपने वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद में कहीं कुछ थोड़ा बहुत दर्द वर्द आ गई बॉडी के अंदर, अब जो बॉडी पड़ी हुई है इतने सालों से उसको एकदम से आप एक्टिव करोगे तो क्या होगा, दर्दें होंगी कई तरह की, अब जब दर्दें हुई तो क्या अगले दिन मन नहीं कर रहा करने का, ये बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन मन नहीं कर रहा करने का, कहीं आपका ब्रेकअप हो गया है कुछ हो गया है ये वो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है कुछ हो गया है, मन नहीं है जी, तो अब आप मन की सुनोगे या वो करोगे जो करना सही है? जो करना सही है अगर आप वो कर सकते हो और करते हो तो उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। थैंक यू सर। हाँ चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।